वन टाइम देखने कैसे है? वन टाइम ही होंगी, वन टाइम एक टाइम ही, वन टाइम एक टाइम अच्छी लगी, एक नंबर लगा, एक नंबर मूवी, एक नंबर। अक्षय कुमार का काम कैसे लगा? एक नंबर भाई, एक नंबर। हीरोइन विलन गानी वगैरह कैसे मूवी? हीरोइन से अच्छा तो अपना अक्षय कुमार बाबा, अक्षय अक्षय। पैसा वसूल लगे नहीं? पैसा फुल वसूल, फुल वसूल, अक्षय। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत चलेगी, एक नंबर पिक्चर है। क्या बात है, कैसी कैसी लगी मूवी? अच्छा लगा, मजा आ गया, अच्छा लगा। सुपरस्टार, एक नंबर, एक नंबर। मैडम कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मैडम मूवी? सुपर फिल्म, सुपर। एक नंबर। फिल्म टक्कर देने वाला फिल्म है। पैसा बहुत असूल है, बच्चन बन ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार की बहुत बढ़िया किया उन्होंने एक्शन, एक नंबर किया है। बहुत बहुत अच्छा उनका बेफाले सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे, बहुत। नहीं नहीं कुछ, सब सब एक नंबर है, पाँच में से पाँच स्टार, पाँच में से पाँच, आउटस्टैंडिंग पिक्चर। एक नंबर फिल्म था, इसमें इतनी कॉमेडी है, बट हेरा फेरी में कितनी कॉमेडी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। एक नंबर लुक अक्षय कुमार का। हीरोइन वगैरह कैसे? हीरोइन एक नंबर है, लेकिन हम अक्षय के फैन है, अक्षय को देखने गए थे। पांच में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे? हम 100 देंगे अक्षय को। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी मूवी? अच्छी है, मस्त। कैसी लगी बच्चन पांडे? बच्चन पांडे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, एक्शन किंग। अरे बाप रे, हीरोइन के बारे में क्या कहना चाहिए? हीरोइन कीर्ति सारण का बहुत ब्यूटीफुल लगी इसमें, और अक्षय ने भौकाल मचाया पूरा पिक्चर में। पांच में से स्टार इसमें का, इसमें आखिर में अक्षय कुमार को हीरो बना दिया है, और अच्छा और जो मैसेज दिया है वो अच्छा दिया है आखिर में। पांच में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे? ज्यादा दूंगा, पांच में से बहुत ज्यादा। फाइट ऑफ फाइव, बेस्ट एक्टिंग अक्षय कुमार, बैकग्राउंड सॉन्ग्स भारी है, म्यूजिक भारी है, साजिद नाडावल बेक्स डायरेक्ट किया मूवी, प्रोड्यूशन भी बेस्ट है। पैसा वसूल हुआ कि नहीं? अरे वसूल मतलब वसूल हुआ, बेस्ट मूवी अक्की अक्की अक्की। एक नंबर जबरदस्त वसूल भाई, एक नंबर मूवी थे, साउथ का रीमेक था, लेकिन सही थे भाई। No, I'm disappointed. Why you were disappointed? The first half is all good. Akshay Kumar has done a very good job. Action is was the he has shown a big villain like interval. The uske baad jo movie is a bullshit. I'm very disappointed. It is not good. What about the performance? You will say performance by Akshay Kumar is good. जब वो starting का जो starting है और interval तक picture ऐसी पकड़ दी है कि मुझे लगा कि सुपर हिट हुई। आफ्टर इंटरवेल इट वॉज अ बुलशिट स्क्रिप्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। द म्यूजिक इज गुड, ओके हो गए, द सेकंड हाफ इट्स ओके हो गए। ये जब का जो शूटिंग का जो दिखाया है, ये सब दिखाने को जरूरत नहीं है। आई विल गिव टू। बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी है। भोकाल मच गया पूरा, अक्षय कुमार का ख्याल है, पूरा भोकाल मचा। सर का एक्टिंग बहुत बढ़िया है। हाँ जी, भोकाल रखने के लिए भय जब बना के रखना जरूरी है। बच्चन पांडे पर आज शाम जी ने हाउसफुल कोर का बाप धो दिया। बवाल बिचारे, बवाल बवाल बवाल। आपके पास पंकज त्रिपाठी है, आपके साथ के आज के अक्षय कुमार छोड़ के सबका काम अच्छा लगा। कृति सारण का काम बहुत अच्छा था, पंकज त्रिपाठी ने भी सब अच्छा काम किया, सपोर्टिंग का सब सब अच्छे काम थे। गाने सारे अच्छे, चार गाने, चारों गाने अच्छे। पेड़ गाना एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी है, और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे साजिद नाडावाला जी से। मैं यही बोलना चाहूंगा, पिछले हफ्ते की मूवी देख के सब थिएटर में रोए, ये मूवी देख के आप थिएटर में हंसो, ताली मारो, सीटी मारो।
अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ये पिक्चर से बेटर कोई फिल्म नहीं मिलेगी आपको। अगर फराह समझी ने हाउसफुल 4 की थी इसके पहले, दोनों में से कौन सा किसका पलटा ज्यादा भारी? हाउसफुल 4 अगर यहाँ पे है ना, बच्चन पांडे यहाँ पर है, बोलो टॉप पे। ऑनेस्ट रिव्यू भैया, ऑनेस्ट रिव्यू, फैन रिव्यू तो और एग्जैजरेशन करके मिलेगा। क्या फैमिली एंटरटेनर है क्या भाई? शाम को जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ, बीवी को लेके जाओ, माँ बाप को लेके जाओ, फुल मजे करोगे। पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मास कॉमेडी एक्शन। फराज शाम जी, इससे पहले जितना भी आपके दिल में मेरे लिए बुरा था ना, ये फिल्म देखने पर हाथ जोड़ से माफी मांगता हूँ भाई। अक्षय कुमार ने हाउसफुल बोल के बाद में आपका करियर जो बचाए थे ना, इसके बाद मेरे हिसाब से इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर ये फिल्म के बाद तो आपको बनना ही बनना है। फिर बात करेंगे बच्चन पांडे के बारे में, बच्चन पांडे पूरा कैसा लगा? बच्चन पांडे क्या सर, 120 करोड़ की फिल्म है, 100 करोड़ अक्षय कुमार ने लिए, तो आप समझ सकते हो ना इंडियन टीम को एक ही सपोर्ट करता है, विराट कोहली। वन मैन शो खेले, इमोशनल कॉमेडी ड्रामा फाइटिंग हर चीज है सर, हर चीज है, रुला डाले। हाँ मजा आया कि नहीं सर? ये फिल्म में अच्छे कर रहे डायलॉग है, अभी तक तो कोई बोला नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ, इंसान बड़ा हाथ तोड़ से नहीं हाथ जोड़ से बनता है, तो यही कहना हुआ सर आपके सामने, हाथ क्या सर है मेरा। और अरशद वारसी एक चीज कहना चाहूँ आपके लिए मैं, अक्षय कुमार को इतने जाने के बाद ना आप पुलिस उनके पैर पकड़ गए ना, थैंक यू बोलना, आपका डूबका हुआ करियर अक्षय कुमार ने बचा लिए। वन मैन आर्मी खेले अक्षय कुमार ने। हिरण की बात करना चाहूंगा तो हिरण आपको किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस? सर एक खिलाड़ी सब पे बारिश के सामने किसी का नहीं है, वो साई थी के लिए मेरे हिसाब से खेल लिए, सब उन्होंने खेले, पूरी फिल्म की स्टोरी उनके ऊपर बेस्ड, क्या खेले सर उन्होंने। पैसा वसूल हुआ कि नहीं आपका? सर मैं एक वेटर हूँ, वेटर की जॉब करता हूँ, और मेरे फैमिली में एक एडमिट है हॉस्पिटल में, टेंशन थी, एक ने बोला खिलाड़ी कुमार की फिल्म देख के आओ, वेटर हो तुम, वो भी एक वेटर थे बड़े बने, इसके बाद तो मेरे को अच्छा लगता है कि एकदम बढ़िया फिल्म थी, एक नंबर फिल्म थी सर, फैन बना दिया उन्होंने अपना। और यही कहना चाहूँगा 10 में से 200 स्टार देना चाहूँ, जितने दे पाए उतने कम है सर, एक नंबर फिल्म है। ये सर कैसी लगी मूवी? बच्चन भैया एकदम सुपर हीरो भाई, 200 करोड़ कमाएगा भाई, 200 करोड़। एक डायलॉग हो जाए मूवी का कौन सा? कैसी लगी सर बच्चन पांडे इन वन वर्ड? मेगा ब्लॉकबस्टर। मतलब इस फिल्म में देखिए ना, मतलब मैं पहली तो बात करूंगा डायरेक्टर फराज सामजी की, उनकी जो जॉनर की जो फिल्में होती है उसमें हमको ज्यादा कॉमेडी दिखती है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें जो उन्होंने इंटेंस दिखाया, जो कैरेक्टर में काम किया है अक्षय कुमार का, जो कैरेक्टर का काम किया, जैसे हाउसफुल 4 में उनको एक चाटी दे दिया था, इसमें जो अक्षय कुमार का जो वो बापरे जो ऐसा कैरेक्टर लेके आया और उसमें कैरेक्टर में काम किया है, और सिर्फ अक्षय कुमार पे नहीं, कृति, जैकलीन सब पे जो काम किया, जो कैरेक्टर निकल के आया है, और ऑडियंस का तो पूछो मत, एक सीट खाली नहीं थी, ऐसे नाच रहे थे अक्षय कुमार की एंट्री में, अरशद वारसी ने जो काम किया उसकी जो एंट्री सीन है ज़बरदस्त, और पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, और बाकी सारे एक्टर्स, तो सबको ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फराज सामजी खासकर इन्होंने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है फिल्म में। हाउसफुल 4 इसके पहले फराज सामजी की मूवी आई थी अक्षय कुमार को लेके, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सी आपको बेहतर लग रही है? देखो कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैंने कहा ना जैसे फराज सामजी की जो फिल्में थी एंटरटेनमेंट, हाउसफुल 4 इससे बिल्कुल अलग है, और उन्होंने जो अलग किया वो ही जबरदस्त है, हालांकि हाउसफुल 4 भी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बांध के रखिए ऑडियंस को। फर्स्ट टाइम अक्षय के बाद अक्षय कुमार का ये लोग सामने आया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मतलब दिल जीत लिया, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं दिल ऐसा जीत लिया अक्षय कुमार ने कि होली में एक तोहफा दे दिया ऑडियंस को। बाप रे बाप। हाँ ये होली में बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया उन्होंने, मतलब होली पे गोली चली गई, होली पे गोली चली गई, बहुत बढ़िया, मतलब रंगों की ऐसी अंदर रंग हो रहे थे, और ये शॉर्ट ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, ब्लॉकबस्टर। 5 में से कितने स्टार देना पसंद? 5 में से 10, ये क्योंकि 5 में से 5 हो ही नहीं सकता, उससे भी ऊपर हो सकता है। क्या लगता है आपको बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन कर पाएगी? देखिए प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी ब्लॉकबस्टर होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू।